बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जयपुर से। नगर निगम पहुंची एसीबी की टीम, फाइनेंस शाखा में शुरू किया सर्च अभियान। दो दिन पहले हुई कार्रवाई की जांच के लिए एसीबी की टीम पहुंची है जयपुर। ग्रेटर नगर निगम के एफए और दो ठेकेदार गिरफ्तार हुए थे। पूरे मामले में उच्च स्तर का कनेक्शन होना भी सामने आया है। पुख्ता सबूत आने पर एसीबी उच्च अधिकारी तक भी कार्रवाई कर सकी। और जयपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नगर निगम की टीम एसीबी नगर निगम पहुंच चुकी है एसीबी की टीम और फाइलें खंगाली जा रही है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि फाइनेंस शाखा में सर्च अभियान जारी है। और इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से एसीबी मीडिया संवाददाता अनूप हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, एसीबी की टीम पहुंच चुकी है नगर निगम, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरीके से कार्रवाई आगे की जा रही है? देखिए, इस वक्त हम नगर निगम ग्रेटर के फाइनेंस ऑफिस के अंदर खड़े हुए हैं जहाँ पर कि एसीबी की टीम अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। यह वही कमरा है अचलेश्वर शर्मा का, जो कि वित्तीय सलाहकार है नगर निगम ग्रेटर के अंदर। इन्हीं के द्वारा कई अनियमितता पाई गई, जिसका कि एसीबी पिछले लंबे समय से रिकॉर्ड रख रही थी और तब कहीं जाकर के एक उचित कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप चित्रों में साफ देख रहे हैं, इस समय जो एसीबी के अधिकारी हैं वो यहाँ बैठ करके पूछताछ भी कर रहे हैं, फाइलों की जांच कर रहे हैं, कौन कौन से बिल थे जिनको कि अचेश्वर जी ने अटका करके रखे हुए थे, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर जाँच की जा रही है। जी अनूप, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर पूरे कनेक्शन में अगर जितनी अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें यह भी माना जा रहा है कि उच्च स्तर तक कनेक्शन हो सकता है, क्या कुछ इससे लेकर अभी तक जानकारी मिल पाई है एसीबी के जो अधिकारी है उनसे कि क्या अभी तक किन उच्च अधिकारियों का नाम सामने आ सकता है इस पूरे मामले में? जी हाँ, देखिए, इस मामले की तह तक एसीबी जाने की पूरी कोशिश कर रही है और यह पता लगाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से बड़े अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी। क्योंकि जितनी भी यहाँ पर फाइलें हैं उनको एसीबी ने सीज कर दिया है, कमरे को पहले ही सीज कर दिया गया था। इस पूरी बिल्डिंग के, ये सेकेंड फ्लोर के ऊपर बिल्डिंग है और फाइनेंस शाखा के सभी कमरों को यहाँ पर सीज कर दिया गया था और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि एक एक फाइलों के एक एक कागज को खंगाल रहे हैं, जिसकी कि पूरी की पूरी ये फाइल बना करके वापस एसीबी ऑफिस लेकर के जाएंगे, जहाँ पर कि पूर्व में ही जो गिरफ्तार हो चुके हैं, रिमांड के ऊपर हैं अधिकारी, उनसे पूछताछ की जाएगी। जी अनूप, क्या कुछ और जानकारी, कब तक एसीबी की कार्रवाई जारी रहेगी और क्या कुछ माना जा रहा है कि क्या और भी जो अधिकारी है उनसे पूछताछ हो सकती है इस पूरे मामले पर? जी हाँ, पिछले 45 मिनट से एक घंटे के बीच का समय बीत चुका है। एसीबी के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने कमरों की सीलें खोली, उसके बाद में फाइलों को खंगालना शुरू करा। यहाँ पर फाइलों का भरमार लगा हुआ है, जो पेंडिंग फाइल है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे जयपुर से और जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी ये जानकारी दे रहे थे कि एक घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और फाइनेंस शाखा में एसीबी की कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरीके से जो फाइलें हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश एसीबी की तरफ से की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। तो नगर निगम ग्रेटर की ऑफिस से, फाइनेंस शाखा से तस्वीरें आप देख रहे थे। सर्च अभियान एसीबी की तरफ से चलाया जा रहा है और नगर निगम की जो टीम है वो एसीबी वहां पर पहुंच चुकी है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। श्री डूंगरगढ़ थाने